तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे। अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भाग जाते हो। तो इंडिया गठबंधन की रामलीला मैदान में जो ये महा रैली हो रही है जिसका नाम है लोकतंत्र बचाओ रैली, यहाँ पर हर बड़ा नेता जो कि इंडिया गठबंधन से जुड़ा हुआ है वो पहुंचा हुआ है। कितनी भीड़ है, बहुत सारे लोग अंदर पहुंच चुके हैं मंच पर। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, जो है मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव, ये सब मौजूद हैं। शुरुआत जब तेजस्वी यादव ने की है, मैं आपको आज सबसे पहले उनके बारे में बताना चाहूँगी। तेजस्वी यादव ने अंदर अपने भाषण में ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो झूठी पार्टी है, और वो ऐसी पार्टी है कि वो यूरिया को भी चीनी बनाकर आपके सामने रख देगी, वो गोबर को हलवा बनाकर आपके सामने रख देगी, और वो चाहे तो आपकी आँख फोड़ दे और फिर आपको चश्मा दे दे और फिर ये कह देगी कि देखिए हमने आपको चश्मा दिया। तो ये मोदी की जो गारंटी है ये बेसिकली एक चीनी माल की तरह गारंटी है। बीजेपी के लोग झूठ बोलने वाले लोग हैं, ये लोग यूरिया को भी चीनी बना देते हैं, ये लोग गोबर को भी हलवा दे करके परोस देते हैं, ये लोग आंख फोड़ करके चश्मा दे देंगे और फिर बोलेंगे देखो हमने चश्मा दिया। ये झूठी पार्टी है, इसलिए इन पे विश्वास मत कीजिएगा। मोदी जी कहते हैं कि उनका गारंटी मजबूत गारंटी है, गारंटी की बात करते हैं, हम बोलते हैं मोदी जी की गारंटी वैसी ही गारंटी है जैसे चाइनीज माल होता है। तेजस्वी यादव की पूरी स्पीच पहले सुनिए और बाकी भी नेताओं ने क्या बोला वो भी मैं आपको सुनाती हूँ। ये दिल्ली की भीड़ बता रही है कि मोदी जी जिस तरह से आंधी की तरह आए थे उसी तरह तूफान की तरह चले जाएंगे। पहला रैली हम लोगों ने पटना में किया, दूसरा बॉम्बे में किया, और तीसरा आज जो है दिल्ली में हो रहा है। और मैं बता दूं, देश के कोने कोने में जहां भी हम लोग जा रहे हैं वहां जनता का साथ आशीर्वाद मिल रहा है। आज हम सब लोग एकजुट हुए हैं, देश के लोकतंत्र, देश के संविधान, देश के भाईचारा को बचाने के लिए। जिस हिसाब से देश में बांटने का काम किया जा रहा है, भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, नफरत की राजनीति की जा रही है, इसलिए हम सब नेता आपकी लड़ाई के लिए हम सब लोग आए हैं और आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम लोग सब लोग चाहते हैं कि इस लड़ाई में आपका साथ मिले, आपका आशीर्वाद मिले और आपका प्यार मिले। जो लोग नारा लगाते हैं आपकी बार 400 पार, उनका मुंह है कुछ भी बोलेंगे, लेकिन एक बात तय है, जनता ही मालिक है, आप मालिक हैं, और आपको तय करना है कि देश के शासन में कौन बैठने का काम करेगा। आज यहां दिल्ली की जनता से पूछना चाहते हैं, वो लोग नारा लगा रहे हैं, टारगेट फिक्स कर रहे हैं आपकी बार 400 पार, ऐसा लग रहा है कि पहले से ही ईवीएम सेटिंग हो चुका है। ये लोग फिर भी आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि आप लोग, ये लोग जो नारा लगा रहे हैं, क्या वो सच होगा या वो सत्ता से बेदखल करिएगा? हाथ उठा के बताइए, इनको सत्ता से बाहर करना है कि नहीं करना? आज हम सब लोग देख रहे हैं कि देश में अघोषित इमरजेंसी लागू हो चुकी है। देश में सत्ता में जो लोग बैठे हैं तानाशाह रवैया अपनाने का काम कर रहे हैं, घमंडी हो गए हैं लोग। और आज हम लोग किसी को गाली देने नहीं आ रहे, लेकिन जो आंख से देख रहे हैं वो बताने आ रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं वो बताने आए हैं। सत्ता में लोग जो बैठे हैं, विपक्ष का धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है,
के उनसे हम लोग सवाल करें। आज मेरा मानना है कि देश में सबसे बड़ा अगर दुश्मन है तो बेरोजगारी है, महंगाई है, गरीबी है। आज यहाँ लोग हैं, नौजवान हैं, नौजवानों से पूछना चाहते हैं, बताओ कितने नौजवान यहाँ जो हैं मोदी जी ने नौकरी दिया, हाथ उठा के बताइए। कोई नहीं मिलेगा, मोदी जी ने कोई नौकरी नहीं दी, सब कुछ जो है प्राइवेटाइज कर दिया। और हम लोगों ने बिहार में जब कांग्रेस लेफ्ट इंडिया अलायंस की सरकार थी, 17 महीने में 5 लाख नौकरी हम लोगों ने देने का काम किया। आज किसान तबाह है, युवा परेशान है, लेकिन किसानों से मोदी जी को मिलने का समय नहीं है। मोदी जी मिलते तो प्रियंका चोपड़ा से मिलेंगे, किसानों से नहीं मिलेंगे। अक्षय कुमार को इंटरव्यू देते थे पिछले चुनाव में, इस बार बिल गेट्स को बुला करके इंटरव्यू देने का काम कर रहे हैं। लेकिन किसानों की समस्या कैसे हल होगी ये नहीं बता रहे। किसानों से उन्होंने पिछले चुनाव में वादा किया था कि उनका आय दुगुना करेंगे, आज किसानों पर मोदी जी ने तलवार चलाने का काम किया है जो हमारे अन्नदाता है। इसलिए आप सब लोग, जब लोग हम लोग जब आवाज उठाते हैं, तब तब मोदी जी और उनकी जो सेल है पार्टी की, उस पार्टी का सेल में कौन है? ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है। लालू जी को तो कई बार सताया गया, मेरे ऊपर मुकदमा किया गया, मेरी माँ पर, मेरी बहनों पर, मेरे जीजाओं पर, मेरे पिता के जितने संबंधी थे सब पर केस मुकदमा किया। अभी बिहार चले जाइए, कई हमारे नेताओं पे छापेमारी चल रही है, कई जगह ईटी का रेट चल रहा है, आईटी का रेट चल रहा है। लेकिन हम लोग घबराने वाले लोग नहीं। आज देश में जिस हिसाब से हेमंत सोरेन जी को और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने का काम इन बीजेपी के लोगों ने किया है, तो उनको हम बता दें कि इनके गीदर भपकी से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं, और पिंजरे में तो शेर ही को कैद किया जाता है, सब लोग शेर हैं। आप लोगों ने ताकत दिया है, आपकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। कंस राज आप लोगों ने देखा होगा, जब जब कंस को किसी से तकलीफ होती थी, डर लगता था, तब तब जेल में लोगों को बंद कर दिया जाता था। लेकिन जेल जाने से यहाँ कोई डरने वाला नहीं है, कितने लोगों को जेल भेजोगे। लेकिन जब जनता जब जवाब देगी, जब वोट का चोट दीजिएगा, तो मोदी जी हाथ मलने का काम करेंगे, सत्ता से बेदखल हो जाएंगे। इसलिए ये अपनी ताकत को पहचानिएगा। सब लोग चुनाव के समय आप सब लोग पोल कीजिएगा, वोट दीजिएगा, लोगों को भी वोट दिलाने का काम कीजिएगा। बीजेपी के लोग झूठ बोलने वाले लोग हैं, ये लोग यूरिया को भी चीनी बना देते हैं, ये लोग गोबर को भी हलवा दे करके परोस देते हैं, ये लोग आंख फोड़ करके चश्मा दे देंगे और फिर बोलेंगे देखो हमने चश्मा दिया। ये झूठी पार्टी है, इसलिए इन पे विश्वास मत कीजिएगा। मोदी जी कहते हैं कि उनका गारंटी मजबूत गारंटी है, गारंटी की बात करते हैं। हम बोलते हैं मोदी जी की गारंटी वैसी ही गारंटी है जैसे चाइनीज माल होता है, दो चार बार इस्तेमाल करोगे और वो गारंटी जो है खत्म हो जाता है, टूट जाता है, खराब हो जाता है। तो जब तक चुनाव है तब तक ही मोदी जी की गारंटी है, बाकी कुछ नहीं। 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ, 15-15 लाख रुपए का क्या हुआ, ये जवाब नहीं देने वाले। लेकिन हमेशा जो है प्रोपेगेंडा चलाने का काम करते हैं और लोगों को भटकाने का काम करते हैं। इसलिए आप सब लोगों को सावधान रहना पड़ेगा, इनके झूठ पे आप लोग विश्वास मत कीजिएगा। और हम सब लोगों ने आज तस्वीर देखा, आज तस्वीर क्या देखा कि आज महामहिम राष्ट्रपति जी अडवाणी जी को भारत रत्न देकर के सम्मानित कर रही थी। मोदी जी अडवाणी जी के बगल में बैठे हुए हैं, राष्ट्रपति खड़ा होकर के सम्मानित कर रही हैं, लेकिन मोदी जी खड़ा भी नहीं हुए राष्ट्रपति के सम्मान में,
खराब ही नहीं हुए। इससे पहले भी हम लोगों ने तस्वीर देखी कि राष्ट्रपति पीछे पीछे चल रही है, मोदी जी आगे आगे चल रहे हैं। ये हम आप सब लोगों को बताना चाहते हैं कि इनका संविधान पे कोई विश्वास नहीं है। ये लोग नागपुरिया कानून को लागू करना चाहते हैं, आरएसएस के एजेंडे को लागू करना चाहते हैं। इसलिए ज्यादा कुछ ना कहते हुए एक आंकड़ा हम जरूर बताना चाहेंगे। देश में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने सर्वे किया है, उसमें आंकड़े हैं कि आज देश में बेरोजगारों में से 83% युवा हैं। पढ़े लिखे युवाओं में बेरोजगारी लगभग 65% है। ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ 17.5% युवाओं के पास ही काम है। यानी भारत की आत्मा गांव में 82% युवा आज बेरोजगार हैं। और मोदी जी इसके बारे में कोई काम नहीं किया। आप एक बार विश्वास कीजिएगा, अगर इंडिया सरकार की अलायंस की सरकार बनती है तो नौजवानों को हम लोग नौकरी देने का काम करेंगे, बेरोजगारी को दूर करेंगे। और जाते जाते बहुत सारे नेताओं को बोलना है, लेकिन एक अंत हम करेंगे एक गाने के साथ। और आप लोगों ने गोविंदा का फिल्म का एक गाना सुना होगा कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो, रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे। अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भाग जाते हो। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। उद्धव ठाकरे ने मंच पर खड़े होकर कहा कि ये जो देश की जो दो महिलाएं हैं जो कि इस वक्त लड़ रही हैं, किन दो महिलाओं का जिक्र किया? अरविंद केजरीवाल की पत्नी और साथ ही हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन और सुनीता केजरीवाल। झारखंड झुकेगा नहीं, इंडिया झुकेगा नहीं और इंडिया रुकेगा नहीं। ये दोनों हैं जिनके साथ इस वक्त पूरा देश है, ऐसा कहते हुए उद्धव ठाकरे ने मंच से ये आह्वान किया कि अगर इनको लगता है कि हम सब डर जाएंगे तो ऐसा होगा नहीं। सुनीता जी, कल्पना जी, आप चिंता मत करो, पूरा देश आपके साथ है, आप लड़ाई जीतेगी और हम सब लड़ाई जीतेंगे, प्रजातंत्र जीतेगा। एक कुछ दिन पहले आशंका थी कि क्या हमारा देश तानाशाही की ओर चल रहा है, लेकिन अब वो आशंका नहीं रही, अब वो सच्चाई है। अगर बीजेपी सरकार को ऐसे लगते होगा, लग रहा होगा कि अरविंद जी को अरेस्ट किया, हेमंत जी को अरेस्ट किया तो लोग डर जाएंगे, लेकिन उनको आज तक पता नहीं, उन्होंने अपने देशवासियों को कभी पहचाना नहीं। मेरे भारत का हर कोई डरने वाला नहीं, लड़ने वाला है। वही उद्धव ठाकरे ने इस बात का भी जिक्र किया कि कैसे किसानों को भी देश में मतलब इस तरह का लोकतंत्र भी नहीं दिया हुआ, क्योंकि लोकतंत्र बचाओ रैली है इसका नाम, इस तरह का लोकतंत्र भी नहीं दिया हुआ कि जब वो आना चाहते थे दिल्ली की तरफ तो उनको नहीं आने दिया गया। तो उन्होंने आह्वान किया कि मैं किसानों से ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपको बीजेपी ने यहाँ आने से रोका, इस बार आपको बीजेपी को आने से रोकना होगा। कुछ दिन पहले उत्तर भारत के सारे किसान दिल्ली आना चाहते थे, नहीं आने दिया, उनके जो रास्ते थे उसमें खिले डाल दिए, उनके ऊपर टियर गैस छोड़ा, लाठीचार्ज किया। तो मैं पूरे देश के किसानों को आह्वान करता हूं, आप अन्नदाता हो, अन्नदाता देवो भव हमारी संस्कृति है। जो सरकार किसानों को आतंकवादी मानते हैं और जो सरकार किसानों को दिल्ली आने से रोकती है, तो पूरे अब समय है कि पूरे देश के किसानों ने किसानों को आतंकवादी समझने वाली भाजपा सरकार को दिल्ली आने से रोकना होगा। जैसे आपकी राह उन्होंने आपके रास्ते दिल्ली आने से रोकी थी, वैसे अब किसानों ने बीजेपी को दिल्ली आने से रोकना ही होगा। मैं इंडिया गठबंधन की ओर से आज 140 करोड़ लोगों भारतवासियों को 6 गारंटी देता हूँ। पहली, पूरे देश में 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे, कहीं कोई पावर कट नहीं होगा, मंजूर है। दूसरा,
पूरे देश के गरीबों की बिजली फ्री करेंगे। मंजूर है? तीसरी, हर गांव और हर मोहल्ले में शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे। अब गरीबों और अमीरों के बच्चों को अच्छी और एक समान शिक्षा मिलेगी। होना चाहिए। चौथा, हर गांव और मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। हर जिले में शानदार मल्टी स्पेशलिटी सरकारी अस्पताल बनाएंगे। देश के हर व्यक्ति के लिए शानदार और फ्री इलाज की व्यवस्था करेंगे। मंजूर है? पांचवी, किसानों को स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक सही फसलों पर MSP निर्धारित करके उनको फसलों के पूरे दाम दिलवाएंगे। मंजूर है? छठी, दिल्ली के लोगों ने 75 साल से अन्याय सहा है। देश के अन्य राज्यों की तरह अपेक्षा उनके अधिकार बहुत कम है। उनकी चुनी हुई सरकार पंगू है। ये अन्याय हम समाप्त करेंगे। दिल्ली वासियों को उनका हक दिलाएंगे। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाएंगे। मंजूर है? मैं आज ये ऐलान करने के लिए अपने सभी इंडिया गठबंधन के साथियों से माफी मांगता हूं, क्योंकि ये ऐलान करने के पहले मैंने उनसे उनकी अनुमति या सहमति नहीं ली। जेल में हूं, इसलिए सहमति लेना संभव नहीं था। उम्मीद करता हूं कि किसी को इस पर आपत्ति नहीं होगी। ये सभी 6 गारंटी हम 5 साल में पूरी करेंगे। इसका पैसा कहां से आएगा, इसकी पूरी प्लानिंग कर ली है। तो लगातार अंदर बहुत बड़े बड़े भाषण इस वक्त दिए जा रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने की बात कही जा रही है। पूरा नज़ारा इस वक्त मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसा माहौल है इस वक्त रामलीला मैदान के आसपास। अगर आप यहाँ से होकर गुजरने की कोशिश कर रहे हैं तो अपने डायवर्जन रूट ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस रास्ते से आपको शायद जाने नहीं दिया जाएगा। और ये देखिए, अभी यहाँ पर इंडिया गठबंधन की जो अलग अलग पार्टीज़ हैं उसके कार्यकर्ता, उसके समर्थक यहाँ पर इस वक्त पहुँच चुके हैं। कई सारे लोग हैं, इनसे ज़रा बात करने की कोशिश हम करते हैं। बताइए आपका नाम। एडवोकेट राहुल जादव फॉर महाराष्ट्र। किसके साथ? किसके साथ? केजरीवाल साहब के साथ। केजरीवाल जी के लिए महाराष्ट्र से आए हैं? हाँ, महाराष्ट्र से आए हैं, जलगांव से। ये जो उनको इस तरह से जेल में रख दिया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये जो तानाशाही चल रही है, वो पूरा देश आप सब देख रहे हैं कि वो ये तानाशाही को सब कितना विरोध कर रहे हैं। और उनकी जो अरेस्ट हुई है वो तानाशाही की वजह से हुई है। वैसा कोई शराब घोटाले का कोई डिजिट सामने आया नहीं है। शराब घोटाले के बारे में कोई भी जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वो सामने आया हुआ नहीं है। सिर्फ शराब घोटाला लगा दिया है। और वैसे ही अभी महाराष्ट्र में आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में बहुत सारे नेता है कि जिनके खिलाफ उन्होंने भ्रष्टाचार का ये लगाया था, लेकिन उनको अपने पार्टी में लेके उनको पावर में शामिल कर लिया है। यानी मोदी जी की जो भूमिका है वो दोगली भूमिका है। केजरीवाल के बारे में कैसी भूमिका ले रहे हैं, और महाराष्ट्र के जो नेता है जिनके खिलाफ सिंचन घोटाला यानी बड़े बड़े घोटाले हैं, उनको वो सत्ता में ले रहे हैं। तो ये जो इस वक्त जो इंडिया गठबंधन की रैली इस वक्त अंदर चल रही है, इसको देखकर क्या आपको लग रहा है कि कुछ फर्क पड़ता दिख रहा है, क्योंकि भीड़ तो बहुत है? मैम, ऐसा है, वो जब ये फर्क जब पड़ता है ना, अब सुनो, केजरीवाल को क्यों अंदर करा है? केजरीवाल को मैम इसलिए अंदर करा है, कोई आदमी जब पावर में होता है ना, किसी को डरा के अंदर कर देता है। कोई भी हो, चाहे बदमाश हो, कोई भी हो, उनकी पावर है इस टाइम पूरे भारत में, तो जिस मर्जी कर दे, ये तो किसी को भी अंदर कर सकते हैं। किसी लोकतंत्र में पावर तो जनता होती है, उनको जनता का डर क्यों नहीं है? तो जनता का डर होगा ना। अब गठबंधन क्यों बनाया? ये मतगठबंधन इसलिए बनाया गया है, ये 5 उंगली जो है ना, जब मिल जाती है ना तो मजबूती बनती है। मजबूती जब बनती है, गठबंधन से लगता है कि मोदी को कुछ असर पड़ेगा, उनकी पार्टी को असर पड़ेगा इस बार चुनावों में, कुछ खतरा होगा? उस भगवान ने और ईश्वर ने चाहा तो जरूर होगा। और हमारी सारी एकता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी जाति हैं, चाहे किसी जाति के भी हो, हम सब एक हैं। और ना हम लड़ाई करेंगे, ना झगड़ा करेंगे, और कोई जो भड़काने वाला पहले उसको हम सही करेंगे। और अपनी सरकार,
भारत का इतिहास, हम लोगों की एकता एक है, सब केजरीवाल बनके वाली बात नहीं है बिल्कुल भी, कोई किसी किस्म की कोई भ्रष्टाचार का एक ही काल, अरे भ्रष्टाचार का एक ही रिहा करा जाए मैडम। सबसे पहला काम केजरीवाल जी को रिहा करा जाए, केजरीवाल को तुरंत रिहा करा जाए, केजरीवाल को जेल में डाल के उन्होंने बहुत गलती करी है। और अब केजरीवाल जी हमारे एक तरफा जीतेंगे, वन साइड जीतेंगे और जमानत भी जब्त करा देंगे सबकी। जिस तरीके से केजरीवाल को बंद किया है ये बहुत ही गलत बात है। जिस तरीके जो आर्टिकल है आर्टिकल 45, इसमें किसी को भी उठा के जेल में डाल दो, सिर्फ दो तरीके से इसमें बयान जो हमें जमानत मिलती है मिलती है। ईडी कभी कहेगी नहीं और जज भी किसी का चेहरा देख के तो कह नहीं सकता कि ये बेगुनाह है। और सिर्फ 100 करोड़ के बारे में जो बात हो रही, 100 करोड़ रुपए एक सिटिंग मुख्यमंत्री को सिर्फ 4 लोगों के गवाह के बेसिस पे उठा लेना, ये कहाँ का न्याय है? ये इस तरीके से अगर उठाने लगेंगे, जितने लोग आए हैं उनको केस की पूरी समझ है, समझा रहे हैं आपको, बता रहे हैं कि आखिर जो किया है अरविंद केजरीवाल के साथ कोई सबूत नहीं है और सिर्फ अपने जो तानाशाही रवैया, जो कि लगातार इस तरह के आरोप लग रहे हैं नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा, ये सब अपनाए जा रहे हैं और इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को क्या आने वाले इलेक्शंस में होने वाला है उसके जवाब में कहते हैं जरूर होगा। जिस तरह के यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं, जितना समर्थन यहाँ पर मिल रहा है उसको देखते हुए इनको ऐसी उम्मीद है। अब देखना होगा कि ये सारी चीज़ें किस तरह से वोट्स में तब्दील होती है। लेकिन वहीं पर मैं आपको बताऊँ कि आज ये तेजस्वी यादव ने एक बात कही कि ये जो नारा इन्होंने लगाया है अब की बार 400 पार, इसका मतलब ये है कि इन्होंने ईवीएम को पहले से ही अपने बस में कर लिया है, क्योंकि इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट इस बात को कैसे है। और वहीं पर उद्धव ठाकरे ने इस नारे के ऊपर एक नया नारा अंदर इस रैली में आज दिया है। उन्होंने कहा ये कहते हैं अब की बार 400 पार, हम कहते हैं अब की बार बीजेपी तड़ी पार, अब की बार भाजपा तड़ी पार। तो ये नारा देते हुए आज लोकतंत्र बचाओ रैली में बड़े भाषण इस वक्त बड़े नेताओं के द्वारा हो रहे हैं। आगे भी आपके पास तमाम जो भाषण हो रहे हैं, जो भी बात कही जा रही है, यहाँ से रामलीला मैदान से मैं और साथ ही मेरे कैमरा पर्सन अरविंद कुमार चौरसिया आप तक पहुँचाते रहेंगे। सत्यमेव जयते।